नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों। झारखंड के लातेहार जिले के हैरहंज प्रखंड क्षेत्र के सलैया व हैरहंज पंचायत में इन दिनों लॉकडाउन में भी जेसीबी मशीन से कुएं की कटाई व मजदूर लगाकर किया जा रहा है कुआं बनाने का कार्य। सबसे खास बात यह है कि वेंडर की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि पूरे जंगलों के पहाड़ के पतलों की कटाई करके कूप निर्माण में लगाया जा रहा है और बालू की ढुलाई भी नदी से करवाते हैं, जिसका टेंडर आज तक नहीं हुआ है। कूप निर्माण में होने वाले ईंट भी लोकल बंगले भट्टे से 2 नंबर ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही जो पत्थर लगाए जा रहे हैं वो भी लोकल जंगलों के पहाड़ों की कटाई करवा कर लगाते हैं। ये मामला कोई नया नहीं है, बहुत पहले से बिचौलियों की मिली भगत से कूप निर्माण में मशीन का प्रयोग कराया जाता है, लेकिन मनरेगा योजना में संबंधित पदाधिकारियों की संलिप्तता की वजह से नहीं होती कोई कार्यवाही। इस लॉकडाउन में भी सलैया पंचायत के कटांग ग्राम के कुशमाही में सुरेंद्र गंजू व दिलीप गंजू का कूप निर्माण का कार्य मंगलवार को भी चल रहा था, जिसमें निर्माण कार्य में दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे। जब मीडिया टीम कार्यस्थल पहुंची तो योजना स्थल में योजना बोर्ड तक नहीं लगाया गया है, जिससे पता चल सके कि योजना किसके नाम पर है और इसकी लागत राशि क्या है। अधिकारियों से कुएं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सभी कुएं का लागत राशि 3,51,000 अभी है। क्षेत्र में हो रहे कार्यों की जानकारी सभी पदाधिकारियों को रहती है, फिर भी कार्यवाही नहीं होती। सलैया पंचायत के रोजगार सेवक राहुल राज ने बताया कि मुझे योजना में चल रहे कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर वह योजना स्वीकृत हो गई होगी तो उसमें कार्य चल रहा होगा तो हम उसका पेमेंट रोक देंगे, साथ ही उच्च पदाधिकारी को इसकी सूचना दे देंगे। बीडीओ संजय कुमार यादव ने फोन से संपर्क करने पर बताया कि मामले की जानकारी नहीं है, अगर ऐसी बात है तो योजनाओं की जांच किया जाएगा, मामले की सत्यता पाई जाने पर दोषियों पर निश्चित कार्यवाही की जाएगी। लातेहार संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट।